जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल विश फॉर मी में। हर बार की तरह आज की वीडियो में हम आपके लिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के नवम अध्याय का पाठ लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले एक बार बोल दीजिए जय माता दी। राजा बोला ऐ ऋषि महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसी काल। ऋषि राज कहने लगे राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं नवम अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति नीरन में मारा, चला युद्ध करने निशुंभ ले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महाप्रकर्णी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंदी को मारन धाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में लगी चमकाने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारें। दैत्य लगा रण भूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वे अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट भर डाली। सी चंडी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ किसी ने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभर मन क्रोधा, अट्ठहास कर गरजा वह बलशाली योधा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रगट फिर दूसरा छाती से बलवीर। बढ़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बढ़ी किया दैत्य संहार। शिव दूती ने खा लिए सेना के सब वीर, को मारी छोड़ी तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्मानी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुवरण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। भक्त नवम अध्याय की कथा कही सुखसार, पाठ मात से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। पाठ मात से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। इति श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का नवम अध्याय समाप्तम। बोलो जय माता दी।